बकवास जो ठाठ अच्छा पोस्ट हो जाए वहाँ देवता बन जा। तो मार्कंडेय ऋषि ने ये कन्फर्म हो गया कि वहाँ ऐसी सुख है और वो प्राप्त होगा इस ओम के नाम से। ओम नाम प्लस में ये हठ योग, ये ऐसे करते रहे। हठ योग से सिद्धियाँ हो जाती हैं और तप बन जाता है। तप से ये किसी जन्म राज्य को प्राप्त करते हैं, चक्रवर्ती राजा हो जाते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े अक्षेत्र के। तो काल फिर इनके ऐसी बिरान माटी कर रहे हैं। और उसको ये था कि फिर मैं जो साधना कर रहा हूँ मैं ब्रह्मलोक में जाऊँगा और वहाँ मुझे ऐसी औरतों के डांस देखने को मिलेंगे, उनका भोग करने को मिलेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि उर्वशी ने पूछा कि आपकी समाधि ना जाने कहाँ थी। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि मेरी जहाँ समाधि थी वहाँ जो डांस कर रही थी, जो मैं डांस देख रहा था। परमात्मा कहते हैं डिम्ब कर डूंगर चुड़े अंतर जी नी झूल, जग जाने यू भक्ति कर यू बो वसूल बबूल। ये सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, ये निर्णायक ज्ञान। दुनिया तो सोचो बड़ा साधु को गुणियो द्वार वर्ष बैठा है, कहते हैं वो असूल बबूल कि वहाँ जो नाच रही थी तेरे जैसी, तो उनके साथ साथ बांधी थी, मैं तुझे क्या चाहूँ। अब फिर कहा कि तेरे से कोई सुंदर उसने भेज दे। तब उर्वशी ने कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि आप मेरे साथ चलो और मैं ही इंद्र की पटराणी हूँ, यानी मुख्य उसकी जो पत्नी, और मुख्य पत्नी सबसे ब्यूटीफुल होती है। यहाँ तो यू ए सांग है पुणात्माओं, इन पांचों विकारों से कतिग्रस्त हैं ये प्राणी, कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, गारा से गारा को धोया नहीं जा सकता। तो कहती है कि आप मेरे साथ एक बार स्वर्गलोक में चलो, नहीं तो मुझे वहाँ से दुहाग दिया जाएगा, मुझे मेरी बेइज्जती करेंगे, अन्यों कहेंगे तू हार के आ गई, मैं तो उसकी जो है ना चीफ वाइफ हूँ, पटरानी हूँ। अब मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बात बता, तू जब यो इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी। तो वो क्या कहती है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, यानी मेरे पति बनेंगे 14 इंद्र, एक इंद्र का शासनकाल। पुणात्माओं ये तत्वज्ञान है आपको बताया जा रहा है। जब तक आप ज्ञान से परिचित नहीं होगे आप भक्ति नहीं कर सकते। आप कोई भी आकर थर्ड पर्सन दो आपसे थोड़ी सी ज़्यादा बात जानता हो चतुर व्यक्ति, आपको डगमग कर देगा, आपकी भक्ति और ज्ञान का नाश कर देगा। इसलिए आपको इस ज्ञान से रंगा जा रहा है। अब क्या है, एक इंद्र की जो पदवी शासनकाल 72 चौकड़ी युग का, 72 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये मिलकर सारा चतुर्युग कहलाता है। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक ये एक इंद्र अपनी गद्दी का सुख भोगता है, इसे आगे नहीं। उसके बाद इंद्र के पदवी यानी स्वर्ग का राजा राज्य समाप्त होते ही इसको तुरंत गधे की योनि में डाला जाता है। ये इसके लिए यहां से स्टार्ट होती है इसकी 84 लाख योनियां। और अब वो इंद्र की जो पटरानी थी वो क्या कहती है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, पति बनाऊंगी। यानी उस पुण्यात्मा ने, इंद्र की पटरानी ने, सची ने कितनी तपस्या साधना कर रखी थी वहां स्वर्ग के राज्य को भोगने की। वो कहती है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे ब्रह्मा के एक दिन में, 1,008 चतुर्युग होते हैं, इनको लंब संप 1,000 चतुर्युग बोलते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल यानी पीरियड समाप्त हो जाता है और इन 3 लोकों में, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर प्रलय हो जाती है। प्रलय की भी 3 वेराइटियां हैं, समय आने पर बताएंगे, प्रसंग कोई और चल रहा है। अब उस पुण्यात्मा, उस लड़की ने
जब वो मानव शरीर में थी, कितने डले ढोलिए, इतना स्वर्ग समय का जो है ना भक्ति साधना पुण्य कर लिए कि 1000 चतुर्युग तक वो वहां स्वर्ग में स्त्री युवा बनी रहेगी। और उसके साथ साथ जितने भी इंद्र वहां गद्दी को प्राप्त करेंगे उसको अपनी पत्नी बनाएंगे। और इंद्र मरते रहेंगे, वो कहती है मैं कंस्टेंट रहूंगी, फिर ऐसे बता रही है। तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी। उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी, वरूंगी कंटिन्यू। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे क्योंकि इनकी तो सीमा निर्धारित है, फिर तू क्या करेगी। अब उर्वशी कहती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे पृथ्वी लोक पे, और मैं गधी बनूंगी फिर बाद में। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगे फिर इसे लोक में मुझे क्यों ले जाती, जिसके राजा रानी गधे बने और गधी बने। वो कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बार वहां ले चलना चाहती हूँ। नूना कहेंगे मैं आर का आगी पराजित होगी। अब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं गधिया के फिर इज्जत क्या, तू आज भी गधी क्योंकि 14 खसम करेगी, और मरने के बाद तू स्वयं कह रही है मैं गधी बनूंगी, फिर गधी भी इज्जत की बाट देखे चाड़ा भाई। अब इतने में इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा बंद नवाज हम हार गए, आप जीत गए, आप ये स्वर्ग का राज्य प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहता अरे अरे इंद्र, ये स्वर्ग की गद्दी, इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, मैं इसको नहीं चाहता किसी सूरत में नहीं। और कहने लगा इंद्र को कि इंद्र तू बात सुन। अब जिस व्यक्ति ने, जिस भी साधक ऋषि ने जैसा ज्ञान है वो अपने मार्ग को, अपनी साधना को सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम मान रहा है, इसलिए तो उसको कर रहा ना तो करे नहीं। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इंद्र तू मरेगा बेहतर चतुर्युग के उपरांत और गधे की योनि में जाएगा, तू इस गद्दी ने छोड़ दे और मैं तुझे मंत्र बताता हूँ, मुझे गुरु बनाकर तू साधना कर ले, ब्रह्म लोक में चला जाएगा। अपुनात्माओं गीताजी दैन विराट के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये पुनरावर्ती में है, वहां गए भी वापस आते, लेकिन उनका समय बहुत ज्यादा होता है। स्वर्ग में गए हुए प्राणी एक महाकल्प तक रह जाते हैं उनकी भक्ति अनुसार। एक महाकल्प कितना है, एक ब्रह्मा की मृत्यु होती है 36,000 बार, उत्पत्ति प्रलय हो जाती है, उसके बाद सभी वहां ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मलोक का भी नाश होता है, उसमें प्रलय होती है, दोबारा फिर वहीं से स्टार्ट होती है। अपुन आत्मा मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक फाइनल मान रखा था। इंद्र को कहता कि आजा इंद्र तुझे ब्रह्मलोक ले चलता हूँ, भक्ति बता देता हूँ, ब्रह्मलोक चलना। अब पुण्यात्माओं जैसे इस काल ने झूठा सुख कलयुग में गढ़ा दे रखे हैं, और फिर साथ में कितना जोर हो गया गुटी शराब का, बीड़ी का, पान का, और नरे तम्बाखू खान का, नरे और सुरफा पीन का, अच्छी ऊंच पोस्ट हो जाती है या अच्छा पैसा हो जाता है, कोई बढ़िया व्यवसाय है किसी का, उसको कोई कहता है कि आजा तुझे नाम दिलाएंगे, बरवाला ले चलते हैं, आप भक्ति कर लो। और फिर उसको नियम बताए जाते, क्योंकि पुण्यात्मा तो होती हैं जो आज उस पोस्ट पर हैं या अच्छे कोई धनी है, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी तो है ही हैं, और आस्था भगवान में है इनकी, लेकिन इनमें विकार इतने लाग गए इन पर या पोस्ट छूटे ना, जैसे कोई IPS है, IAS है, या कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, अच्छी पोस्ट है उसकी, या कोई MLA मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है,
अब उनको कोई समझाने की चेष्टा करे, हैं तो ये पुनकर्मी प्राणी क्योंकि पिछले पुण्य से इनको राज्य प्राप्त है, तो ये क्या कहेंगे? जैसे इंद्र ने कहा, क्या कहा? मार्कंडेय ऋषि ने जब कहा कि आओ ले चलें तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बताता हूं, अब इंद्र के कहे न्यू कह महाराज जी फिर देखूंगा, इब तब न जी सा लेने दो। अब मार्कंडेय ऋषि कह रहे बोले आदमी तू ये पता कि इस राज को इस गद्दी पर तू बैठा है, उनको पता है इस बात का कि तू गधे की योनि में जाएगा डायरेक्ट, लेकिन वो नशा गणा हो रहा है इसके बांग का, वो सुख ना छूटता, रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता इंद्र की पोस्ट पर, सारे ठाट पाट देवता सलूट मारे, ऋषि हाथ जोड़े खड़े रहे इंद्र राजा के सामने, फिर वो क्यों कर छोड़ दे, उसने गधा बनना मंजूर है उनको, वो छोड़ नहीं सकते। ने बोला जी फिर देखूंगा, इब तब ने राज करने दो। मार्कंडेय बोला कुएं में पड़वाई जा, ना मनता मत माने। तो इसी प्रकार आप इन उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणियों से जिक्र करके देखना, इन पर ये छूटे को ना, और छोड़ना के है इसमें, बुराई छोड़नी पड़ेगी, बीड़ी शराब मांस तमाकू और अन्य बकवाद, अपना कार्य भी करो, भगवान की भक्ति साथ करो, इस ज्ञान से आपको और न्यारा लुत्फ आएगा, आनंद आएगा, हर तरह व्यवसाय में भी आप हर सर्वेंट से हर नौकर से एक बहुत प्यार भरा बर्ताव करोगे, भगवान से डर कर रहोगे, पाप नहीं कमाओगे, परमात्मा साथ रहेगा, आपके कार्यों को भी सुचारू करेगा। मार्कंडेय ऋषि एक दिन एक चीटियों की कतार को देख रहा था, पंक्ति कीड़नाल बोल रहे उसने, कीड़ी का नाल, लाखों इधर भाग रही होती हैं, लाखों इधर भाग रही होती, और उनको बैठा बैठा देख रहा था, इंद्र आ गया। इंद्र ने पूछा कि हे मार्कंडेय ऋषि आप इनमें क्या निरीक्षण कर रहे हो चीटियों का? तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इनमें ये देख रहा हूं कि कौन सी चीटी कितनी बार इंद्र की पदवी पर रह चुकी है। इंद्र कहता है क्या सचमुच ये चीटियां भी कभी इंद्र रही है? हाँ, तो क्या देखा आपने? कि मार्कंडेय ऋषि कहता है कि मैंने देखा कि इनमें एक चीटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पर रही है और बाकी तो कई कई बार रह चुके हैं, और फिर भी ना समझ मायूस गुगू के बता के कर ले इस मन का। अपुण आत्माओं, परमात्मा कहते हैं अपने सचिदानंद गंधर्व की वाणी में, इंद्र कुबेर ईस की पदवी ब्रह्मा वृण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। है है। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध मैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1-4 में स्पष्ट किया है के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी जो भी भाग बता देगा, तना क्या है, जड़ क्या है, शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करके जाते हैं, वेद भी गवाह है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। तो फिर क्या बताया कि उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, उसकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है पूरी श्रद्धा से उसी को कहे कि मैं उसकी शरण हूँ और उसकी ही भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं, अपनी कोई मना करता है कि मेरी भी नहीं करनी। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी स्पष्ट किया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, व्रज माने जाना होता है, इन अज्ञानियों ने आना कर रखा है, वो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, उसमें भी क्लियर है लेकिन इनका अनुवाद गलत है इसमें। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा
उसकी कृपा।